हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 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 जैसा आपने आज दिन में ही देखा है हॉस्टल को लेकर के काफी हुआ है और बाकी सारी चीजें हुई हैं अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं उसके फौरन ही बात क्या किया गया है वाइस चांसलर जामिया की तरफ से एक नोटिस अप्रूवल किया गया है जिसमें बताया गया है कि ओपनिंग प्रोसेस ऑफ द हॉस्टल फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स जहां पर रिनोवेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए इमीडिएटली

ओपन तो इनका, इनका करेंगे अभी हम ओपन नहीं करेंगे तो ओवरऑल थिंग्स इस चीज पे आके फंस गई है कि इनका कहना है कि विंटर के बाद और बच्चे कह रहे हैं कि नहीं हमें अभी हॉस्टल ओपन चाहिए और क्योंकि चाहिए भी क्योंकि बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं हॉस्टल्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है जिस चीज़ को बच्चों को फेस करना पड़ रहा है जो चार हजार का हॉस्टल है वो आठ हज़ार हो गया है अब बच्चे को उतना पे करना पड़ रहा है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक तरह का धंधा यहाँ पे खुल करके बैठ गया कि बच्चों को बहुत सारी दिक्कत हो रही है तो ये हमारा भी डिमांड है कि हम भी चाहते हैं कि हॉस्टल्स को जल्द से जल्द ओपन किया जाए और नया से नया अलॉटमेंट वहाँ किया जाए ताकि बच्चों को वहाँ पे हॉस्टल में रहने का जगह मिल सके तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें